गुरु नानक देव जी की चरण सौ प्राप्त गुर गुरु घर है जी, पिंड है। गुरु नानक देव जी की अपार कृपा है जिहड़ी नाल असी एक सारा कुछ कर रहे हैं। एक करके सी उस करके सारा कुछ एक हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा जी एक ओंकार, एक ओंकार दे उसते सारा कुछ एक है जी। साढ़े की वजह मनते हो भी सारी इस पिंड दे विच एक खासियत है कि जात पात तो उत्ते उठ के थोड़े वालों ये पिंड वाले वालों काम किया गया? जात पात तो जी ये है, सारे ये नाल ने साडे वर्ग रमदास जी ने, साडे सैसी भी ने, सारे धर्म ने, मुसलमान भी ने जी, तो होर फकीर भी ने, सारे साडे नाल तुरदे ने हरेक काम नूं जी। असी उन्हां नाल तुरदे हाँ, उस करके सारा पिंड एक जगह पर ढुकदा सारा। शमशान घाट की जे गल करी तो शमशान घाट भी इको है, की कहना चाहो? शमशान घाट भी इको है जी। शमशान घाट पहला तीन होंगे सीगे जी, चार होंगे सी, वह भी सारे कल कल चक के लिया के असी ने इन्हों एक थावे कर ले। सारा एक लोग जगह एक जगह जाते हैं, सारे लोग एक थावी जाके सुहाई हो जानी है जी। बाद होना जे आप गुरुद्वारा साहब की गल करिए, जिते आप बाहर खड़े हैं गुरुद्वारा साहब तो इतने एक पुरानी खूह बारे पता लग्या सी। पुरानी खूह है जी, इधर पिछले पासे खूंजे ते खूह है, वह गुरु नानक देव जी वेले दी है, छोटियां इट्टां दी है। जो वह आए ने इत्थे 1566 बिक्रमी नूं उदों भी यह खूह हैगी सी, इत्थे इन्हां ने जल छकिया है। माता साडे भोली जी थी, उन्होंने दुध पानी सकाया उन्होंने, रहे थोड़ा टाइम ने, पर इतों जाते पसौल विच दी होकर मलेरकोटला गए ने जी। मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी, तो पंच इतने मौजूद। की कहना चाहते हो भाजी, पिंड के चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं? पिंड दे विच साडे बड़ी सांझीवालता दा जिहड़ी प्रतीक हैगा, इह चीज़ शुरू तो देखी गई है कि जो पिछलियां पंचायतां सी उन्हां दा काम कार करिया, और जो साडी पंचायत बनी 2018 दे विच उहदे विच भी बहुत ज़्यादा काम होए इदां दे डिवेलपमेंट दे, जिहदे करके पिंड दे विच किसी भी काम नूं लैके कोई रुकावट नहीं बनी हैगी अज तक। जो भी काम दे लई किसी भी चीज़ लई प्रपोजल दित्ती जांदी हैगी जां मता पाया जांदा हैगा उह पूरा कीता जांदा हैगा। पिंड दी गल करिए, कीहड़ी कीहड़ी सहूलतां पिंड दे विच ने? पिंड दे विच साडे अपने स्टेडियम बनिया होगा, हैल्थ जिम बनी हुई हैगी, और दो पार्क बने हुए है, एक लेडीज़ लिए अलग आ, जेंट्स लिए अलग हैगा। उस तो बाद सुविधा केंद्र बनिया होगा, और नरेगा भवन बनिया होगा, तो साडे अपना 24 CCTV कैमरे लगे हुए है, और जिन्हें भी पिंड कोई कच्ची जगह नहीं मिलेगी, और सारे ही गलियों के लॉकेट पाई गई हैगी। पिंड के जो बस अड्डे ने, जो स्टॉपेज बनाए गए हैं, वो भी पूरे नवे बनाए गए हैं, और पिंड दे विच एक ट्रीटमेंट प्लांट लग्या होया वाटर दा, जो अपना गंदा पानी जांदा गा घरां दे विचों, उस दे उपर असी पंचायती राज थ्रू जिहड़े कि उत्थे टोबियां दी उसारी करवाई गई हैगी। पिंड दे विच शमशान घाट उपर एक भट्ठी लगाई गई हैगी, और पिंड दे विच होर भी अगर वड्डी गल दसीए तां साडे जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल आ गए इत्थे दा, उन्हां दे विच घट्टो घट्ट ये साडे वाली पंचायत दे विच टर्म दे विच 30 to 40 lakh रुपया स्कूल दे उपर खर्च किए गए ने। वीर जी बलजिंदर सिंह जी, की कहना चाहते हो भाजी पिंड बारे, खेड़ी जट्टा बारे?
ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਖੂਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਲਕਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲ 'ਚ ਤਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜੂਗਾ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਜਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਲਈ, 10 ਲੱਖ ਮੜੀਆਂ ਲਈ, 8-11 ਲੱਖ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, 25 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।